मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग एक बार जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा जुड़ जाएं बहुत सारे बच्चे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यह हिंदी का क्लास है दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। विशेषण विशेष्य का मतलब हमने दो क्लास तो कर लिया है, एक आराम से हमने अच्छे ढंग से जो आपका बेसिक क्लास होता है विशेषण पर, हमने उस पर चर्चा किया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और सारे वैसे जितने भी क्लास होते हैं यूपी टेट के सारे फॉलो करिए, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के जितने भी क्लास होते हैं सभी फॉलो करिए। सुबह 6 बजे एक होता है, 11 बजे एक होता है, इसके बाद 3 बजे मैम का होता है, रचना मैम का, फिर उसके बाद एक 9 बजे जो हो रहा है इस समय, है ना। तो सारे क्लासेस जो होते हैं आपके लिए बेहतरीन फ़ायदे की बात होंगी, आप सारे क्लासेस को फॉलो करिए दोस्तों, है ना। आज हम बात करेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चे फंस जाते हैं। आर ओ ए आर ओ विशेषण जो आपका है, कह लीजिए कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी जगह आते हैं, जितने बड़े से बड़े एग्जाम होते हैं। और विशेषण से जो अच्छे एग्जाम होते हैं दोस्तों ना, वो इसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं, विशेषण से, विशेषण और विशेष के बारे में पूछ लेता है। और छोटी सी गलती से आप अपना 1-2 नंबर गंवा सकते हैं, है ना। तो आज वो चीज़ें क्लियर कर देंगे, आपको 100% गारंटी देते हैं। अगले 10 से 15 मिनट अगर आप हमारे साथ बने हैं तो पूरा का पूरा विशेषण और विशेष आपके खोपड़ी में घुस जाएगा दोस्तों, दिमाग में अंदर चला जाएगा इतना कि वो कभी बाहर नहीं निकलेगा फिर, है ना। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है। तो विशेषण के बारे में हमने बता दिया है कि विशेषण वही होता है जो किसी रंग रूप आकार मतलब किसी संज्ञा और स्वनाम की विशेषता बताता है, वही विशेषण होता है। सेम इसी तरह होता है आपका विशेष, इससे कुछ अलग होता है विशेष। विशेष से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों, प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, तो सबसे पहले आप बताएंगे जो प्रविशेषण होता है वह दोस्तों क्या होता है। प्रविशेषण जो होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहते हैं। ये बातें क्लियर है। और इसमें हम लोग देखिए 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों एग्जाम्पल से आप खुद सीख जाएंगे। एक मिनट, इससे ही लीकेज हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे हम देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, आप एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद आप खुद कहेंगे हाँ बेहतरीन तरीके से हमने सीख लिया है ना। एक मिनट रुकिएगा, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। अगर हम बात करें, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, क्या है, विद्यार्थी है, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अब वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, अगर हम यहाँ पे बहुत को हटा देते हैं एक मिनट के लिए, वह अच्छा विद्यार्थी है तब भी बातें ठीक ठाक हैं, मतलब समझ में आ रहा है, वह अच्छा विद्यार्थी है, समझ में आ रहा है ना, वो अच्छा विद्यार्थी है। अगर इतना ही मैटर होता केवल तब भी हम समझ जाते हैं हाँ वो अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन इसे बहुत लगा दिया। यही जो बहुत है ना, क्या कर दिया, जो विद्यार्थी है, जो आपका संज्ञा है, जो आपका सर्वनाम है, उसी को क्या कर दिया, और प्रेशर कर दिया। जब प्रेशर कर दिया तो यह बन गया विशेष, मतलब कि संज्ञा या फिर सर्वनाम जो आपका विशेषण आता है, मतलब विशेषण की जो ये विशेषण अच्छा क्या है, ये विशेषण है, तो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण खुद संज्ञा स्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण को प्रेशर कर देता है थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है, उसे कहते हैं विशेष। इस तरह बहुत हो गया आपका विशेष्य। ये बातें क्लियर हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, विशेष्य का मतलब ये समझ जाइए कि वो एक तरीके से सीधा का सीधा नाउन ही होता है, है ना, नाउन ही होता है। अभी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे दोस्तों, देखिएगा विशेष्य का मतलब। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बात करें कि कुशल, जो कुशल है वो बहुत निडर है, कुशल मान लीजिए है कोई, कुशल बहुत निडर है, बहुत निडर है। तो यहाँ पे जो निडर है, अगर बहुत ना होता केवल कुशल निडर है तभी बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर देते बहुत निडर है, तो बहुत जो है निडर की विशेषता बता दे रहा है, तो इस वजह से बहुत क्या हो जाएगा, एक तरह से विशेष से हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, यही सब सारे क्वेश्चन इसी में आ जाते हैं भर के। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक हो सकता है 3 इसमें से हो, 1 इसमें से हो, आपसे पूछ दे बताइए विशेष क्या है, विशेषण क्या है। इसी वजह से हमने अभी यहाँ पे ऊपर लिख नहीं रखा है कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है, उसके साथ आपको कुछ चीज़ें जोड़ के हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में एक और छोटा सा ट्रिक देंगे आपको, जो कि आप आसानी से पता कर सकते हैं विशेष और विशेषण क्या है, है ना। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है।
अगर हम बात करें विशेष से जो है दोस्तों, दो मतलब ये जो ट्रिक है, एक शब्द के आधार पर होता है, एक वाक्य के आधार पर होता है। दोनों में विशेष, शब्द में भी विशेष और विशेषण, और वाक्य में भी विशेष और विशेषण। वाक्य मतलब एक सेंटेंस लिखा हो, और शब्द में भी विशेष विशेषण पहचानते हैं। दोनों इसी से जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से बने रहिए। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर हम बोलें एक चीज पाठ, बताइए पाठ, और एक लिखा है पाठ्य, पाठ्य। अगर हम बोलें पाठ के साथ, पाठ के साथ, ध्यान सुनिएगा, अगर हम बोलें पाठ के साथ, पाठ के साथ पुस्तक जोड़िए, पाठ पुस्तक, यह सही बैठ रहा है, या फिर पाठ्य पुस्तक, यह सही बैठ रहा है, बताइए कौन बोलने पर अच्छा लग रहा है, या फिर सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यस ये चीज़ें सही हैं, कौन सा? अगर आपको त्रुटि पहचानने की आ गया तो क्या पहचानेंगे, पाठ पुस्तक त्रुटि हमें इसमें है कि इसमें है, तो आप कहेंगे कि इसमें भी त्रुटि नहीं है, इसमें भी त्रुटि नहीं है, सिर्फ दोनों का अलग अलग मैटर है, क्योंकि पाठ पुस्तक ये शोभा नहीं दे रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, और पाठ्य पुस्तक हाँ लग रहा है कि हाँ कोई वर्ड है। तो याद रखिएगा, जो पाठ्य पुस्तक आपका क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, अगर नाउन के साथ कोई चीज़ लगा होगा तो विशेषण होगा, समझ गया, समझ गए कि नहीं? और जो ये नाउन है, जैसे पाठ है ना, ये खुद अपने आप में नाउन है, एक संज्ञा है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा जो है ना, ये खुद विशेष से है, समझ में आ रहा है? यही चीज़ें हम आपको सिखाने हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे अब सब में कुछ ना कुछ जोड़ के हमको सीखना है, जैसे धन है, ये धनवान लिखा हुआ है, अगर हम बात करें धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, पता ये अच्छा लग रहा है बोलने में कि धन व्यक्ति, यह लग रहा है कि बोलने में अच्छा लग रहा है, कौन बोलने में सही ढंग से लग रहा है कि कौन सही है, तो आप बताएंगे धनवान व्यक्ति सही लग रहा है बोलने में। तो जिसमें जो यह मामला है, पीछे वाला जो नाउन है, अगर ये सही बैठ जाता है, वही आपका उसके आगे आने वाला जो होता है ना, वही हो जाता है विशेषण, यह विशेषण है, लेकिन यह क्या है, विशेष है, यह विशेष है, यह क्या है दोस्तों, विशेष है, याद रखेंगे विशेष, क्योंकि यह एक तरह से जाति नाउन हो सकता है, व्यक्तिगत नाउन हो सकता है, है ना, व्यक्तिगत विशेषण हो सकता है, जातिगत विशेषण हो सकता है, मतलब एक तरह से क्या होगा, जाति को बताएगा, संबोधित करेगा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, संज्ञा एक तरह से कर लीजिए, संज्ञा की विशेषता बताता है, यह पूरी संज्ञा ही होती है, यह समझ लीजिए, और संज्ञा के आगे पीछे लगने वाला, आगे लगने वाला वो क्या हो जाता है, विशेषण आपका, यह क्या है आपका, विशेषण, जैसे बात करें धनवान व्यक्ति, यह सही बैठ रहा है ना, तो धनवान व्यक्ति यह तो विशेषण है, लेकिन यह क्या है आपका, विशेष से हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे प्रादेश, और यहाँ पे प्रादेशिक है, अब इसमें बताइए कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, वैसे यह तो विशेष है, यह प्रादेशिक जो है यह आपका विशेषण है, कैसे सर, इसमें कुछ लगाइए, जैसे हम बात करें प्रादेशिक समाचार, बताइए प्रादेशिक समाचार सही बैठ रहा है, ये आपका प्रादेश कौन सा सही लग रहा है बोलने में, आपको फटाफट बताइए, थोड़ा सा बताइए, प्रादेशिक, अगर हम समाचार लगा देते हैं दोनों के आगे, प्रादेशिक समाचार, प्रदेश समाचार, कौन अच्छा लग रहा है बोलने में, यह वाला प्रादेशिक समाचार होता है ना, कि प्रदेश समाचार होता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और यह विशेष हो जाएगा, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आप कुछ चार ऑप्शन मिलेगा, चारों ऑप्शन में से आप टिक कर सकते हैं, नाउन लगा के देख सकते हैं, जिसके आगे नाउन लगाने के बाद सटीक वर्ड निकलेगा, सही बिल्कुल वर्ड निकलेगा, लगेगा कि हाँ हम सुटेबल हैं अपने आप को, तो वही आपका विशेषण हो जाएगा, और बाकी जिसमें नहीं सुटेबल होगा कोई चीज़, वो आपका विशेष हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे देखिए अग्नि है और आग्नेय है, तो आग्नेय शास्त्र, अग्निशास्त्र होता है कुछ, आग्नेय शास्त्र होता है, शास्त्र आपका कह लीजिए, अगर आग्नेय चट्टान, आग्नेय एक चट्टान भी होता है, आपको पता है कि नहीं, आग्नेय चट्टान होता है, अग्नि चट्टान कोई होता है नहीं ना, तो इस तरह से आपका विशेष है, यह विशेषण है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सभ्य और सभा, सभ्य और सभा में ध्यान से देखिए, सभ्य के आगे कुछ जोड़िए, कोई नाउन जोड़िए, सभ्य व्यक्ति, सभ्य महिला, यह समझ में आ रहा है, यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, लेकिन सभा व्यक्ति, सभा महिला, यह सभी सही नहीं बैठ रहा है, तो इस तरह से डायरेक्टली नाउन है, इस वजह से विशेष है दोस्तों, क्या है, विशेष है, विशेष है, और यह आपका विशेषण हो जाएगा, इस तरह से पहचान सकते हैं। आगे देखिए आराधना और आराध्य, आराध्य व्यक्ति, आराध्य महिला, इस तरह आप बोल सकते हैं ना, और आराधना व्यक्ति, आराधना महिला लगाइए उसके आगे, नहीं बैठ रहा है ना, मतलब यह आपका विशेष होगा और यह विशेषण होगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट देखिए गुड़ होगा, यहाँ पे गुड़ी है, गुड़ी व्यक्ति, गुड़ी महिला, गुड़ी बालक, है ना, तो इस तरह से यह क्या है जो हम आगे लगा रहे हैं इसके, देखिए महिला, व्यक्ति, बालक, ये सब में आएगा, सारी चीज़ों में आएगा, इससे ही पहचाना जा सकता है कि कौन विशेषण है, कौन विशेष है, उसके आगे लगा के, तो हमने गुड़ी के आगे लगा दिया, गुड़ी महिला, गुड़ी व्यक्ति, यह सही बैठ रहा है, तो यह तो विशेषण हो जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन यह गुड़ व्यक्ति, गुड़ महिला कुछ बैठ रहा है, मामला फिट नहीं है, तो मतलब यह क्या हो जाएगा आपका, विशेष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह विशेष है। नेक्स्ट देखिएगा इधर, देखिए इसमें और इसमें पहचानते हैं कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, जैसे घरेलू मक्खी, घरेलू महिला, घरेलू व्यक्ति, घरेलू बालक, इस तरह से आप लगा के
पता कर सकते हैं कि यह सही बैठ रहा है और यह सही नहीं है, इसमें से यह विशेष्य है विशेषण है। सेम यहाँ पे देखिए, जल और जलीय, जलीय जीव, जलीय जंतु, जलीय जानवर, जलीय जानवर, जलीय जीव, जलीय जंतु, सही है, ये दोनों चीज़ें सही सटीक बैठ रही हैं। तो जलीय जीव, जलीय जंतु, मतलब जली आपका क्या है, विशेषण है, लेकिन जल जीव, जल जंतु या कुछ बैठ रहा है, मामला फिट नहीं, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट, दया और दयालु, दयालु, दयालु व्यक्ति, दयालु महिला लगाइए, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी इधर हैं, यह विशेषण है और ये आपका विशेष है। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक महिला, इस तरह बन रहा है ना, कुछ कुछ हमको समझ में आ रहा है, हाँ ये चीज़ें सही बैठ रही हैं, लेकिन धर्म व्यक्ति, धर्म महिला, कुछ बैठ रहा है सटीक, नहीं बैठ रहा है, इस वजह से यह विशेष से होगा और यह विशेषण होगा दोस्तों। नेक्स्ट देख ली, जैसे आपका चयन होता है, चयनित व्यक्ति, चयनित छात्र, चयन छात्र कोई बोलता है, चयन व्यक्ति बोलता है, नहीं ना, तो यह आपका विशेष होगा और यह विशेषण होगा। नेक्स्ट, निश्चय वर्ग, निश्चित वर्ग, बताइए, निश्चित काम, निश्चय काम, कौन सा सुटेबल बैठ रहा है, निश्चित, निश्चित काम, यह सही बैठ रहा है ना, तो इस वजह से यह विशेषण और यह विशेष। देखिए यहाँ पे प्रमाण और यहाँ पे प्रमाणिक, प्रमाण और प्रमाणिक में देखिएगा, प्रमाण और प्रमाणिक में बताइएगा फटाफट। जैसे प्रमाण की बात करें, प्रमाण ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ सही बैठ रहा है, तो इस वजह से यह विशेषण होगा और यह विशेष होगा, ठीक है। जैसे मासिक, देखिए मासिक पत्रिका है ना, मासिक पत्रिका आता है ना, बहुत पहले आता था, तो मासिक पत्रिका ये क्या है, पत्रिका क्या है, पत्रिका का संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, हो सकता है, तो उसके आगे पीछे लगने वाला विशेषण होगा, मासिक पत्रिका, ये आपका विशेषण हो गया, मासिक विशेषण हुआ, लेकिन मास पत्रिका कुछ नहीं होता, इस वजह से आपका विशेष है। राष्ट्रीय व्यक्ति, राष्ट्रीय चिन्ह है ना, ये क्या है, ये आपका विशेषण है और ये आपका राष्ट्र व्यक्ति, राष्ट्र चिन्ह कुछ नहीं होता है ना, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्र चिन्ह नहीं बोलते, राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, इस वजह से आपका विशेष होगा। यहाँ पर देखिए कांटा और कटीला, कटीला, कटीला को कैसे बना सकते हैं, कुछ लगाइए, कटीला वृक्ष, कटीला पौधा, तो ये आपका विशेषण होगा, और कांटा, कांटा वृक्ष, कांटा पौधा, ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये विशेष से होगा आपका, है ना। आगे देखिए, अभी हमने पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया, तो पाठ्य जो है आपका विशेषण है और पाठ जो है विशेष से। इस तरह यहाँ देखिए घाव और घायल, घायल व्यक्ति, घायल महिला, कुछ लगा लीजिए, सारी चीज़ें लगा लीजिए घायल से जोड़ के, तो ये आपका यह विशेषण हो जाएगा और यह विशेष होगा, क्योंकि यहाँ पे घाव व्यक्ति, घाव महिला, ऐसा कुछ नहीं बैठ रहा है, तो बैठने के ऊपर है, जैसा आप सुटेबल समझें, या क्योंकि एक तरह से फील है आपका, किसी चीज़ को फील लेके पढ़ाई करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, कभी नहीं भूलने वाला है दोस्तों, बस फील लीजिए। देखिए जहर और जहरीला, जहरीला सांप, जहर सांप, कुछ बैठ रहा है, जहर सांप क्या होता है, कुछ नहीं होता, जहरीला सांप होता है, जहरीला सांप होता है, तो मतलब ये विशेषण है और विशेष है। नेक्स्ट, जटा और जटिल, जटिल व्यक्ति, जटिल कार्य, लेकिन जटा कार्य, जटा व्यक्ति, ऐसा कुछ होता है नहीं ना, जटा है तो शिव भगवान वाला जटा हो जाएगा फिर, है ना, समझ रहे ना, एक तरह से सीधा साधा नाउन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जटा सबके पास होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो इस तरह ये आपका जो है ना, ये आपका विशेष्य है और ये आपका विशेषण हो जाएगा, जटिल व्यक्ति, जटिल कार्य, दर्दनाक हादसा, दर्दनाक काम, दर्दनाक मूवी, दर्दनाक पिक्चर, ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब विशेषण, मतलब ये विशेषण है इस वजह से, क्योंकि यह सही बैठ रहा है, और ये दर्द व्यक्ति, दर्द मूवी, ये कुछ है नहीं, ये तो मूवी का नाम ही लग रहा है मुझे, तो ये मतलब गलत है, ये आपका विशेष है और ये विशेषण है। उत्कृष्ट व्यक्ति, न कि उत्कर्ष व्यक्ति होता है, तो इस तरह यह विशेषण और यह विशेष। अंतिम और अंत, अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति, अंतिम महिला, अंतिम काम, तो ये सब क्या है, एक तरह से आपका क्या है भैया, विशेषण है, यह विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके साथ सारे नाउन सुटेबल बैठ रहे हैं, और यहाँ पे अंत खुद एक अपने आप में एक संज्ञा है, कह लीजिए, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विशेष हो जाएगा। इस्यालु, इस्यालु व्यक्ति, इस्यालु महिला, इस तरह बना सकते हैं आप, है ना, और यहाँ पे इस्या, इस्या आपका विशेष हो जाएगा, और इस्यालु क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। इसी तरह कुछ और देख लेते हैं, दो चार और हैं, जितना हम प्रैक्टिस करा दिए दोस्तों, अगर आप इतना खुद कर लेते हैं, बस जितना कराया गया आपको 10 से 15 मिनट में, अगर इतना आप कर लेते हैं, बस इसी में से यह देखिएगा, जो बच्चा अगर इसी को दो तीन बार देख लेगा ना, इसी में से आ जाएंगे क्वेश्चन, चार पांच ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन रहेगा, बोला जाएगा आपसे कौन सा विशेषण है, बता दीजिए, तीन विशेष होगा, एक विशेषण होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा विशेष है, तो तीनों हो सकता है विशेष हो, लास्ट का चौथा ऑप्शन देते, चार इनमें से सभी विशेष हैं, तो आपको पहचानना होगा, है ना। कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं, अंत, अंत तक हो गया था, इससे हो गया था आपका, जैसे बात करें ओज, देखिए ओज, ओज ले लीजिए, ओज से क्या बनता है, ओज से बनता है ओजस्वी, ओजस्वी, बताइए ओजस्वी,
ओजस्वी व्यक्ति होता है ना, न कि ओज व्यक्ति होता है। इस वजह से यह विशेषण होगा या विशेष्य होगा दोस्तों। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे खर्च, खर्च और खर्चीला, खर्चीला व्यक्ति, खर्चीला बालक, यह होता है ना, इस वजह से यह विशेषण और यह विशेष्य। बातें क्लियर हो रही है ना। अगर और ले लें जैसे पराजय, पराजय, पराजय से अब बना लीजिए, पराजय से क्या पराजित बना सकते हैं, पराजित। अब बताइए पराजित व्यक्ति होता है, पराजित महिला होती है, पराजय व्यक्ति होता है क्या, पराजय व्यक्ति। अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में ना, जब अच्छा नहीं लग रहा है तो विशेष हो जाएगा और यह विशेषण हो जाएगा। और कोई ले लें जैसे किताब, किताब, और इसी का जो होगा किताबी। बताइए किताबी कीड़ा होता है, किताबी ज्ञान होता है, कि किताब कीड़ा किताब ज्ञान होता है, किताबी कीड़ा किताबी ज्ञान होता है। तो इस वजह से विशेषण और यह विशेष है दोस्तों। बातें समझ में आ रही हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने का हमारा लक्ष्य है, और ऐसा चैनल मात्र एक ही है दोस्तों आपके लिए जो सोच रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों इस चैनल के बारे में। जैसे बात करें रुद्र, रुद्र, देखिए रुद्र, रुद्र से अगर बात करें रौद्र बनता है, रौद्र भी बनता है रुद्र से। तो रुद्र व्यक्ति होता है, रुद्र रूप होता है, रुद्र महिला होता है, ऐसा होता है नहीं, रौद्र रूप होता है, रौद्र रूप, रुद्र रूप कुछ होता है, रौद्र रूप होता है, यह सही बैठ रहा है। अगर आपको बाय द वे अगर यह ना दे ना रौद्र, तो आपसे बोला जाए रुद्र रूप क्या सही है, यह बताइए सही है कि नहीं सही है, तो आधे बच्चे तो सही लगा के चले आएंगे, और इसी को हो सकता है विशेषण भी बता के चले आएँ, लेकिन यह तो विशेष है, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इसके साथ यह लग गया तो यह तो विशेष है, लेकिन अगर इसके साथ लग गया तो ये विशेषण हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों। रौद्र रूप होता है ना कि रुद्र रूप होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लोहा, देखिए लोहा और लौह, लौह, बताइए लोहा पुरुष होता है कि लौह पुरुष होता है। वल्लभ भाई पटेल जी को याद करिए, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी को याद करिए, जिनका सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू है सबसे बड़ा नर्मदा नदी किनारे गुजरात में, 182 मीटर ऊँचा, सुप्त कुमार करके कोई है जो उनका वह मूर्ति बनाया था, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं लौह पुरुष, लोहा पुरुष नहीं होता, लौह पुरुष होता है। तो इस पे से यह विशेषण होगा और यह विशेष होगा दोस्तों। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बात करें अच्छा, अच्छा बताइए क्या है, अच्छा बताइए क्या है, और लड़का, लड़का क्या है बताइए। अगर बोले अच्छा, अच्छा तो एक तरह से विशेषण लग रहा है सर, अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम, लड़का व्यक्ति, लड़का काम होता है, नहीं अच्छा लड़का होता है, इस वजह से यह विशेष है और यह विशेषण है, यह दूसरा टाइप है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, काला, काला, काला आदमी होता है, काला बंदर होता है, काला लड़का होता है, काली लड़की होती है, तो यह होता है, काला तो विशेषण है, लेकिन यह सब विशेष है, यह सब अपने आप में खुद जातिवाचक संज्ञा है, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह अगर और बात करें सफ़ेद, सफ़ेद बंदर देखा है किसी ने, सफ़ेद बंदर हम लिख देते हैं, किसी ने देखा यहाँ पे देख लेगा, सफ़ेद बंदर, ये पूरा सफ़ेद है, ये बंदर है, सफ़ेद बंदर हो गया। काला बंदर, अच्छा सफ़ेद बंदर, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़ा, है ना, ये सब सपने में देखे होंगे, सफ़ेद घोड़ा, एक हाथी थी सफ़ेद, अभी हाल ही में उनका डेथ हो गया, है ना, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। तो सफ़ेद, सफ़ेद आपका क्या है भैया, एक तरह से विशेषण है, ये सब विशेष हैं दोस्तों, समझ में आ गया सारी बातें। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भला, भला, अब बताइए भला से क्या बनता है, भला व्यक्ति बनता है, भला व्यक्ति बनता है, है ना, भला व्यक्ति बनता है, भला व्यक्ति बनता है, भला और क्या बन सकता है, भला आदमी बन सकता है। तो ये आदमी व्यक्ति ये सब विशेष हैं दोस्तों, लेकिन ये आपका विशेषण है, समझ रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपने सीख लिया तो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप शायद ही कर पाते, या फिर जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता होगा वो कर पाते होंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन मित्रों को बताइए जो मित्र अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म से, उनको जोड़िए दोस्तों, या आपका काम है, हमारा काम है भरपूर तैयारी कराना आपका, CTET, सुपर टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्जाम हैं, MTET, है ना, जो भी टेट हैं सब क्वालिफाई करवा देंगे दोस्तों आपको, सिर्फ आप लगे रहिए और पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, शेयर करिए, सिर्फ आप यह काम करिए, क्योंकि कुछ तो पाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों ना, करिए। वैसे अगर आपकी इच्छा है तो ही करिएगा, वरना आप खुद देखते हैं, वही हमारे लिए बहुत है कि हमारे छात्र कम से कम देखते हैं, जो बच्चे रेगुलर हैं हम देखते हैं, 3-4 बच्चे ही आ पाते हैं और बाकी पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो चलिए धन्यवाद।